साहस सरोकार। असम में 3 दिन के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। यूपी में सरकार ने 4 कफ सिरप को लेकर किया अलर्ट, WHO ने 4 कफ सिरप को असुरक्षित किया घोषित। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक, मंदिर में सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग पर सुनवाई, जिला जज AK विश्वेश सुना सकते हैं फैसला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे मेदांता अस्पताल, मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की खबरों का। वाराणसी की जिला कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर आज फैसला सुनवाएगी। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान बाजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी, जिसके हिंदू पक्ष ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। आज कोर्ट इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग यानी वैज्ञानिक जांच की अर्जी पर अपना फैसला सुनाएगी। वाराणसी जिला कोर्ट में यह याचिका उन्हीं महिलाओं की ओर से दाखिल की गई जिन्होंने सिंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने संबंध में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 12 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाते हुए सिंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, आज ज्ञानवापी को लेकर फैसला सुनाएगी कोर्ट, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि आपने देखा कि अब तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर में एक 4 वादनियों के याचिका के बाद वहां सर्वे किया गया, साथ ही साथ वहां के दीवार और तमाम अवशेषों को वीडियोग्राफी किया गया और ये पता लगाने की बात की गई कि क्या ये वाकई में मंदिर है या ये मस्जिद। आपको बताया कि इसमें कहा ये जा रहा है कि जो पुराणों के अनुसार और जो धार्मिक किताब है या जो पुराने राजा हैं उनके द्वारा ये बताया कि राजा टोडरमल के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद जो बनाई गई है उसे पहले ज्ञान गौरी श्रृंगार मंदिर था वो, और इसको लेकर 4 याचिकाकर्ताओं ने पूजा का अधिकार कोर्ट से मांगा था, जिसको लेकर अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके ठीक बाद अब उन्हीं याचिकाकर्ताओं को यानी कि वादिनियों के तरफ से कार्बन डेटिंग कराकर और जो सर्वे हुआ था जिसमें निकला था कि एक शिवलिंग है, जिसमें मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये फुहारा है और हिंदू पक्ष का कहना था कि ये शिवलिंग है। आपको बताएं कि सर्वे में अगर बात की जाए तो सर्वे में 3 दिन का सर्वे हुआ था जिसमें दीवारों से लेकर हर एक जगहों का वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और जो अंदर वजूखाना है, वजूखाने का जब सर्वे किया गया तो उसमें पत्थर नुमा शिवलिंग नुमा एक पत्थर निकला था जैसा कि कोर्ट का कहना है। तो उसे मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये एक फुहारा है और हिंदू पक्ष ने कहा कि ये एक शिवलिंग है और उसके ठीक बाहर एक नंदी है, तो हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि नंदी वहाँ है तो शिवलिंग भी शिवलिंग ही होगा। अब उसको लेकर अब वादिनियों की तरफ से कोर्ट का रुख एक बार दरवाजा खटखटाते हुए कहा गया कि आप उसका शिवलिंग का कार्बन डेटिंग करें और ये साक्ष्य पता लगाए कि क्या वो शिवलिंग है या वो महज एक पत्थर है। तो इसको लेकर आज कोर्ट का फैसला आना है कि क्या कार्बन डेटिंग कराई जाएगी। आपको बता कि कार्बन डेटिंग के अंदर में अगर देखा जाए तो आम तौर से जो पुरानी लाशें होती हैं उनके हड्डियों से पता लगाया जाता है उनकी, और साथ ही साथ हड्डियों से DNA निकाल कर व्यक्ति की पहचान की जाती है, मगर अब पत्थरों में भी ये किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वादनियों का कहना है कि कार्बन डेटिंग की कोर्ट अनुमति दे और बिना किसी छेड़खानी के बिना पत्थर को तोड़े ये पता लगाए कि ये शिवलिंग कब का है, क्या उस वक्त का है जब राजा टोडरमल ने
जब पूरे जो काशी विश्वनाथ है साथ ही साथ गौरी सिंगार मंदिर है उसका निर्माण कराया था, क्या वो उस समय का पत्थर है या ये फुहारा है, तो इसको लेकर आज कोर्ट में इसको स्वीकृति मिलती है या इसे अस्वीकृति मिलती है वो कोर्ट के फैसले आने के बाद पता चलेगा। मगर चार वादनियों का यही कहना है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्वे के दौरान जो भी चीज़ें अवशेष मिले हैं उसकी कार्बन डेटिंग की जाए और कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि क्या ये फुहारा है या शिवलिंग है। आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जहां देश भर में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों आशाएं लगाए बैठे हैं, अब ये माननीय कोर्ट का ये फैसला लेना होगा और माननीय कोर्ट इस पर पूरा अपना रुख देगा, तमाम वो ग्रंथों को, तमाम पुरानी किताबों को, तमाम ऐसे विदेशी लेखकों के किताबों को उल्लेख जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद और जिसे गौरी सिंगार मंदिर भी कहा जाता है, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का जो भी उल्लेख है और वहाँ नंदी महाराज जो है, हर एक उल्लेखों को कोर्ट में सबूत के तौर पर रख कर जहाँ एक तरफ पूरी कार्रवाई चल रही है उसके ठीक बाद जो वादनी है उनकी तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग की गई है और आज इस पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। जी मयूरी विवांशु, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ सकता है? जी ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है, माननीय कोर्ट के तरफ से अब देखने वाली बात ये होगी कि दिन चार वादनियों की तरफ से पूजा का अधिकार ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो कि इनकी तरफ से कहा गया कि गौरी सिंगार मंदिर जो है जिसमें साल में एक बार हमें पूजा करने की अनुमति है, हमें रोज पूजा करने का अधिकार कोर्ट दे, उसके ठीक बाद अब उन्हीं वादनियों की तरफ से उनके वकील विष्णु शंकर की दलील पर अब कोर्ट का आज इस पर फैसला आना है कि क्या कार्बन डेटिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये माननीय कोर्ट का आज फैसले के बाद कहना साफ होगा कि क्या होगा। आज माना ये जा रहा है कि 3 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट का क्या रुख होता है और कोर्ट माननीय कोर्ट ही हर चीज़ों को तय करेगा क्योंकि न्यायपालिका भारत के अंदर में एक बड़ा स्तंभ है चारों स्तंभों में से। तो अब जहां वादनियों की तरफ से पूजा का अधिकार का एक तरफ मांगा गया उसके ठीक बाद अब कहा गया है कि जो वजू खाना है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में उस वजू खाने के अंदर में जो शिवलिंग नुमा पत्थर है वो पत्थर है फुहारा है या शिवलिंग है इसकी कार्बन डेटिंग कर जांच की जाए। साथ ही साथ आपको बताएं कि अगर देखें मयूरी तो जब किसी चीज़ों का निर्माण किया जाता था किसी राजाओं के द्वारा तो ठीक एक ही पत्थर के द्वारा पूरे महल को मंदिर को बनाया जाता था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस ज्ञानव्यापी मस्जिद है जिसे गौरी सिंगार कहा गया कि गौरी सिंगार मस्जिद को तोड़कर उसके ऊपर औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाया था, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो रिकॉर्डिंग के अंदर में तमाम मिट्टी लिए गए हैं, तमाम पत्थरों के अवशेष लिए गए हैं, क्या हूबहू वो जो शिवलिंग नुमा पत्थर वजू खाने से निकला है क्या वो उसी से मेल खाता है, ये माननीय कोर्ट का निर्णय का विषय है। मगर दोनों पक्षों ने आशा लगाए बैठा है, दोनों पक्षों की तरफ से आशा लगाए लोग बैठे हैं कि माननीय कोर्ट पर उन्होंने साफ तौर से दोनों पक्षों का विश्वास है कि माननीय कोर्ट एक बेहतर फैसला लेंगे जो सही होगा। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। नई सड़क उपद्रव मामले में फंडिंग के आरोपित हाजी वसी की 4 संपत्तियां सील रहेंगी। इन संपत्तियों पर मंडलायुक्त द्वारा अपील खारिज करने के बाद अब इनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। ध्वस्तीकरण को लेकर केडीए सुनवाई कर रहा है। बता दें कि नई सड़क पर 3 जून को उपद्रव हुआ था। चंदेश्वर हाता कब्जाने के लिए रची गई साजिश के तहत यह उपद्रव हुआ था जिसमें मुख्तार बाबा, हाजी वसी, उनका बेटा और मैनेजर समेत कई लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। वहीं मंडलायुक्त डॉक्टर राजेश शेखर ने बताया कि केडीए के अधिकारियों ने निर्माण सील की कार्रवाई पर अपील की थी। साक्ष्यों के आधार पर अपील करने का कोई ठोस आधार न मिलने पर उसे निरस्त कर दिया गया। कानपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जूही से दोस्तों के साथ मेला देखने गए होटल संचालक को गुरुवार शाम कल्याण
गोरखपुर के पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार जनों ने युवती समेत 5 लोगों पर अगवा करके हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर अपहरण और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की है। पुलिस 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अमेठी जनपद में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद गुरुवार देर शाम अमेठी रामलीला समिति के अध्यक्ष पवन अग्रवाल के द्वारा रात्रि में होने वाले भरत मिलाप कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद न्यू अमर ज्योति मंडल और दुर्गा पूजा संचालक समिति के द्वारा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि अमर ज्योति मंडल ने अपना अलग से उप जिला अधिकारी अमेठी के द्वारा परमिशन करवाया था, जिसके क्रम में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी काकवा रोड अमेठी से शोभा यात्रा एवं भारत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यू अमर ज्योति मंडल पिछले 93 वर्षों से लगातार भारत मिलाप के कार्यक्रम का प्रदर्शन कर रहा है। इस वर्ष अमेठी कस्बे के कुल पंजीकृत 15 मंडलों में से 12 मंडलों के द्वारा भरत मिलाप की झांकी निकाली गई। ऐसे में सिर्फ रामलीला समिति के तत्वाधान में आने वाली झांकियां नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद भरत मिलाप में आए हुए सभी मंडलों के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया। भरत मिलाप जैसे कि हर साल होता है, ऐतिहासिक भरत मिलाप है अमेठी का। यहाँ पे हम लोगों को संचालन समिति से कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन तब भी हम लोग ने मेले का यहाँ गौरव बनाए रखा और पूरे अमेठी में नगर भ्रमण किया और प्रशासन भी हमारा कई सपोर्ट किया, लेकिन संचालन समिति से एक भी सपोर्ट नहीं मिला, जिससे हम संचालन समिति का बहिष्कार करते हैं। शाम को 4 बजे अमेठी नगर में जितने हमारे प्रस्तुत करने वाले भ्रमला चौकियाँ हैं, नगर में लगभग 15 मंडल जो अमेठी नगर में बैंड बाजा साउंड सिस्टम पर प्रदर्शन के लिए हर वर्ष अपना सभ्यता निभाते हैं, और शाम 4 बजे हमारे पास आए, कहा अध्यक्ष जी इस वर्ष जो है कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है, हमें कहा परेशानी क्या है, उन्होंने कहा कि पवन अग्रवाल ने साफ जो है बिना राय सलाह लिए उन्होंने आर्थिक अंदर से ही निर्णय ले लिया। खबर औरैया से है, जहां बाइक सवार युवक को कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करा उसके परिजनों को सौंप दिया। बता दें कंटेनर चालक घटना के बाद से फरार हो गया, साथ ही पुलिस ने आरोपी कंटेनर चालक की गिरफ्तारी के निर्देश भी जारी किए। खबर सीतापुर से है, जहां नगर पंचायत सिधौली में आज मतदाता पूर्ण निरीक्षण की बैठक संपन्न की गई। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के बृहद पुनरीक्षण का अभियान 5 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर गुरुवार को नगर पंचायत सिधौली में बैठक की गई। मतदाता पूर्ण निरीक्षण की बैठक में नगर पंचायत सिधौली के समस्त सेक्टर संयोजक एवं बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक सिधौली के ब्लॉक प्रमुख राम रावत को नगर पंचायत सिधौली का प्रभारी बनाया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख सिधौली राम बख्श रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गंगा राम राजपूत और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी, मनीष पांडे, आरती रावत के साथ अन्य कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। खबर सीतापुर से है, जहां जलभराव से परेशान बिस्वा नगर के लोग कीचड़ और गंदे पानी में धरने पर बैठ गए। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी जलभराव की समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे आहत जिले के लोग जलभराव के बीच गंदे पानी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल अतीक खां की अगुवाई में धरने पर बैठ गए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बिस्वा गाँव के मोहल्ला महाराजगंज में कई वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के मौसम में यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समस्या यह है कि यहाँ पे जल भराव जब से पानी गिरा है, लोग जो है जीवन यापन उनका बहुत ही खराब है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, नगर पालिका प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। जब तक इसका समाधान नहीं होता है, तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा।
कहीं बताया है कोई अधिकारी वगैरह को कि हम लोग पानी में धरना दे रहे हैं? ऐसा है, उच्च अधिकारियों को हमने कई प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, मजबूर होकर जनता की समस्याओं को देख कर हमको यहाँ आना पड़ा और बैठना पड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सीतापुर से है, जहां कोटे की खुली बैठक के दौरान रेणु देवी को विजय घोषित किया गया। वहीं विकास खंड बैठा की ग्राम पंचायत इस्माइलगंज में कोटा चयन को लेकर खुली बैठक गांव के प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुई, जिसमें ग्राम पंचायत में रेणु देवी और समा परवीन कुल को दो लोगों ने कोटे को लेकर आवेदन किया। विद्यालय परिसर में महिला व पुरुष ग्रामीण इकट्ठा हुए। कोटा चयन को लेकर खुली बैठक में पहुंचे ग्राम पंचायत अधिकारी अर्पित गुप्ता रमेश कुमार के द्वारा मतगणना कराई गई, जिसमें रेणु देवी को 258 मत प्राप्त हुए तो समा परवीन को 172 मत प्राप्त हुए, जिसमें 86 मतों से रेणु देवी को विजय घोषित कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। प्रयागराज के चौक क्षेत्र में भक्तिपूर्ण माहौल में पत्थर चट्टी और पजावा रामलीला कमेटी की ओर से भरत मिलाप का आयोजन किया गया। भरत मिलाप देखने के लिए हजारों की संख्या में राम भक्त जुटे थे। पहले बिछड़ने का गम, फिर मिलन की बेला। भरत मिलाप पर गले मिल रहे राम और भरत के नम आंखों के साथ मानो सभी की आंखें नम हो गई हूँ। यह अद्भुत नजारा गुरुवार की रात चौक में श्री पजावा रामलीला कमेटी की पत्थर चट्टी कमेटी के भरत मिलाप आयोजन के दौरान हर किसी ने देखा और महसूस किया। वहीं दोनों कमेटियों के आयोजन अलग अलग थे, लेकिन कुछ भी फासले पर हुए। चारों भाइयों के गले मिलने पर श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। भजन संध्या में भक्ति रस की स्वर लहरी ने भी माहौल को तरंगित किया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां भगवान राम की गद्दी जनपद के खिरनी बाग से शुरू होकर महानगर के कई मंदिरों से होते हुए सुबह भोलागंज पहुंची। वहीं भरत मिलाप कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और नम आंखों से इसका आनंद लिया। तो वहीं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भगवान राम की पूजा अर्चना कर राजतिलक किया। खबर गाजियाबाद से है, जहां दुष्कर्म मामले में गवाही के लिए उपस्थित न होने के चलते पॉक्सो कोर्ट ने बागवत के एएसपी के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया। साथ ही अगली सुनवाई पॉक्सो कोर्ट ने 19 अक्टूबर को की जाएगी। बता दें कि 2016 में एक युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी जाँच एएसपी मनीष मिश्र के नेतृत्व में की जा रही है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां रामलीला महोत्सव में देर रात को भरत मिलाप का जुलूस निकाला गया। तो वहीं रामलीला में शामिल झांकियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। साथ ही देर रात भगवान श्री राम और भरत मिलाप का मंचन देख सभी की आंखें नम हो गईं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं